नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में हम आए हैं जयपुर की पुरानी बस्ती स्थित श्री राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस मंदिर की जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि भारत में हर मंदिर का एक रहस्य होता है। इस मंदिर का भी ऐसा ही कुछ रहस्य है। इस मंदिर में जो मूर्ति मौजूद है वो खुद प्रकट हुई थी, उसे किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया था। इस मंदिर की मूर्ति में प्राण है। इस मंदिर का इतिहास हम यहाँ के पंडित जी से जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जन्माष्टमी के पर्व पर इन्होंने क्या खास तैयारियाँ की हैं। जो ये मंदिर है ये बेहद खास है और प्रसिद्ध है जयपुर में। अभी हमें इसका इतिहास बताइए थोड़ा। इतिहास ऐसा है कि जैसे जो ठाकुर श्री कृष्ण जी थे उनके परपुत्र थे बज्रनाथ जी, उन्होंने कंस ने जिस शिला पे कारावास में इनके भाई बहन को मारा था उसके तीन भाग किए थे बज्रनाथ जी ने। फिर जो पहले वगैरह बने थे वो थे मदन मोहन जी, जिनके चरण भगवान जैसे हैं, वो करौली में हैं। दूसरे बने थे गोपीनाथ जी, जिनका वक्षस्थल ठाकुर जी ऐसे हैं और वो अपन खड़े हैं यहाँ पे पुरानी बस्ती जयपुर में। और तीसरे विग्रह बने थे गोविंद देव जी, वो भी जयपुर में आप जानते होंगे, मुखारबिंद भगवान जैसे हैं बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे इस मंदिर में जो एक घड़ी है, इसका क्या इतिहास है, ये इसके बारे में क्या मान्यता है? इसका इतिहास ऐसा है कि क्योंकि इनका वक्षस्थल जैसे बताया मैंने, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल भगवान जी ऐसे हैं, तो मानना यह था कि इनमें धड़कन होगी। तो एक अंग्रेज आया था 80-70 साल पहले, हम यहाँ 14वीं पीढ़ी हैं, जब मैं दादी थे यहाँ पे सेवा में तब एक आया था अंग्रेज, वो बोले कि अगर इनका वक्षस्थल है तो इसमें दिल होगा और इसमें धड़कन होगी, तो वो लाए थे घड़ी पल्स वाली, तो वो चली थी। अच्छा, उस घड़ी की खासियत थी कि वो सिर्फ इंसान की पल्स से चलती थी। ऐसा पल्स से चलती तो वो घड़ी चली थी, इसलिए वो जीवित कहते साक्षात ठाकुर जी है, तो वो तब से ये घड़ी का प्रथा जो है चालू हुई है। अब जन्माष्टमी का मुख्य पर्व आ रहा है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इस दिन इस मंदिर में क्या विशेष तैयारियाँ होने वाली हैं? हर साल के जैसे इस बार भी जो अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो ठाकुर जी का जन्म होगा उस दिन रोशनी का व्यवस्था की गई है मंदिर में और सजावट की गई है, सागरी लड्डू की प्रसादी है और नंदोत्सव के दिन छप्पन भोग का आयोजन होगा। और रोज़ाना यहाँ पे कितने भक्त, आपको कुछ अंदाज़ा कितने आ जाते हैं, कितने चले जाते हैं? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। रोज़ाना के हिसाब से मान लीजिए 2-3 हज़ार तो आते ही हैं और जन्माष्टमी के अवसर पे कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का आने की संभावना है। अब हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है। तो जब ये जन्माष्टमी आ रही है तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो मंदिर है ये काफ़ी पुराना और प्राचीन है, तो यहाँ पे क्या माहौल रहता है जन्माष्टमी? बहुत अच्छा रहता है यहाँ का माहौल। क्या क्या होता है यहाँ पर जन्माष्टमी पे? बहुत सारी झांकी वगैरह और अच्छा प्रोग्राम होता है, सजावट वगैरह बहुत अच्छी करती है। बरसों पुराना मंदिर है ये, आज का मंदिर नहीं है। कितने साल पुराना है ये? बहुत साल पुराना है, शायद 500 साल पुराना तो है ही। और गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन जी, इन तीनों के दर्शन करने से एक दर्शन होते हैं। जब अपन तीनों के दर्शन करेंगे तो तब गोपीनाथ जी के दर्शन होंगे, तभी गोविंद देव जी के होंगे, तभी मदन मोहन जी के होंगे। तो इस मंदिर की ये है और ये बरसों पुराना मंदिर है और साक्षात है कि ये अपना परिचय भी देता है। और इसकी एक घड़ी है जो पल्स से चलती है, बरसों पुरानी ये बात बताते हैं। अभी भी चल रही है ये घड़ी? अब देखो अंदर का अभी हमको नहीं पता, लेकिन हाथ से निकाल दो नहीं चलेगी, इनके हाथ पे लगा रहेगी जब चलेगी। अंग्रेज लोग आए थे ना, वो कह रहे इनको हटाओ, जयपुर बसा था जब का मंदिर है, हाँ हटाओ घड़ी को। तो उन्होंने ना कहा, हमारे पहले इनके पापा थे, उन्होंने कहा हटा दिया तो चली नहीं, वो इनके हाथ पे चलने लग गई। तो ये तो साक्षात चमत्कार है। चमत्कार है ये, साक्षात चमत्कार है और ये अपना चमत्कार बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ। कोई यहाँ कोई भूखा भी आता है वो भी पेट भर के आराम से उसके हाथ पकड़ लेता है और वो फिर कहीं नहीं जाने की सोचता। यहाँ पे दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वृंदावन मथुरा उड़ीसा बहुत गाड़ियाँ आती हैं, सब जगह से आता है, यहाँ आदमी बहुत आने लग गया। तो मैं जब अभी इस मंदिर में आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो यातायात है यहाँ पे आने जाने की जगह नहीं है, लोगों को परेशानी होती है, तो यहाँ पे जो यातायात है उसकी थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा इसका इतिहास है, तो ज़रूर यहाँ पे वो व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ आने जाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है और गंदगी इतनी फैली रहती है। कल मैंने खुद ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन कंप्लेन डाली है, जब जाके गटर की लाइन साफ हुई है, अदरवाइज आज रक्षाबंधन के पहले से इतना गंदा पानी बह रहा था, इसीलिए आज महापौर जी भी अपने दर्शन करने आए हैं। और यहाँ मनीष जी पारिक मंगला में रोज 4 बजे आते हैं, खुद देख के जाते हैं, मगर बिल्कुल बस हाथ जोड़ के चले, कोई प्रशासन नहीं सुनता। नहीं प्रशासन नहीं सुनता है। सुरेंद्र जी पारिक भूतपूर्व MLA रहे हुए हैं यहाँ पे, अभी तक काम नहीं हो रहा है, नालियाँ बहती रहती है, अतिक्रम रहता है, कचरा रोज नहीं उठता है, यहाँ व्हीकल खड़े करने के लिए जगह नहीं है,
हम हमारे घर से मंदिर में आए तो भी हमारे को प्रॉब्लम होती है आते जाते। इस मंदिर का इतिहास काफी रहस्यमय है, लेकिन ये मंदिर उतना ही खास है। तो इस बार इस जन्माष्टमी में इस मंदिर के दर्शन करने आप जरूर आए। और क्या आपको पता है कि गोपीनाथ जी का नाम गोपीनाथ जी कैसे पड़ा? तो अगर पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।